बिजली नसीब ही नहीं होती है और फ्री में बिजली की आपूर्ति 4 से 5 घंटे और वो भी ट्रिपिंग के साथ, क्या ये सही है? पेयजल के लिए त्राई त्राई मची हुई है, 7 दिन में पेयजल की आपूर्ति और वो भी प्रति परिवार मुश्किल से 3 या 4। ये भी 3 या 4 प्रति परिवार मुश्किल से घड़े मिलते हैं, क्या ये सही है? 3 या 4 घड़े और चराई वाले इलाके में तो इतना पानी भी नहीं पहुंचता है, ये भी सही है? ये चराई वाला इलाका जो है वहां पानी पहुंचता नहीं है। आप लोगों ने एक अजीब और नया तरीके का धरना प्रदान यहाँ किया था, हर संगठन होके आप लोगों ने जोरदार तरीके से यहाँ प्रदर्शन भी किया था, क्या ये उसके बावजूद भी आप लोगों के पानी की घोर समस्या है और सिर्फ पानी की नहीं बिजली के साथ साथ अस्पताल की भी जोरदार समस्या है। 14 डॉक्टर होने चाहिए परंतु कितने हैं? 3 ही डॉक्टर हैं और इतनी भारी संख्या, इतना बड़ा शहर और आपके कितने 14 डॉक्टर में से 3 डॉक्टर आज उस अस्पताल को संभाल रहे हैं जहां एक्सरे ईसीजी कोई भी जांच अच्छी तरह से समाज में मिलती नहीं है और जहां विशेषज्ञ चिकित्सक जो भी है उनकी बहुत ही कमी है और अगर कोई गंभीर बीमारी है तो क्या होता है? ये है कांग्रेस के राज में जनता के लिए सोच, ध्यान और प्रेम। ये कांग्रेस 53 साल से करते आ रही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। मैं तो मानती हूँ कि कांग्रेस आगे तो तब बढ़ती है जब गरीबी रहती है। अगर आप लोग संपन्न हो जाओ तो कौन कांग्रेस को पूछेगा? ये इस तरीके से खैरात कैसे बांट पाएंगे? वो तो तभी बात कर सकते हैं जब आप लोग गरीब रहोगे। इसीलिए कांग्रेस का ये काम है कि आदमी को गरीब से गरीब रखना, ताकि उनके ऊपर से झगड़ा करवा के और उनको सौगाते बात बात के उनको अपने जेब में रखने का काम इन्होंने 53 साल से लगातार किया है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल है, बढ़िया बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं, सरकारी स्कूल अध्यापकों की कमी से आप लोग जूझ रहे हो ना? और जब मंत्री यहाँ का है, अगर मंत्री है क्षेत्र का वो आपको ये काम नहीं दिलवा सकता है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि दूसरे जगह में, दूसरे जिले में और दूसरे कस्बे में क्या हो रहा है? कभी सोचा इसकी बात? हमारी ये स्थिति है तो उन लोगों का क्या हो रहा होगा? खेतड़ी शहर की जो सड़क है उसके ऊपर से मैं अभी आई हूँ, राजा जा जा आप लोगों को हुआ हुआ क्या सड़क? मैंने कहा कि मरम्मत के वजह से आपकी सड़क पूरी तरह से जर्जर है, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे क्या? मेरे हाल जो आते हैं ना वो हर गांव हर कस्बे के अंदर साथ में लिखी हो, पिछले 3 महीने के अंदर हरेक कस्बे के ऊपर है। और जब मैंने पूछा तो बताते हैं कि आगे आगे सड़क बनती है और हंसते हैं कि आगे आगे सड़क बनती है और पीछे पीछे से वो मैं समझती हूँ सरकार के आदमी को तो मजा तो लेना नहीं चाहिए कि उसके 4.5 साल के राज के अंदर ये स्थिति हो रही है कि जनता रोज चिल्लाती है, जनता रोज प्रदर्शन करती है और उसके बाद भी किसी के कान में जू नहीं रह गई, तो ये सरकार कैसी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी ने खेतड़ी के लिए अपने समय के अंदर पैदल की 6 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई, आपको याद है? हम लोगों ने स्वीकृत की थी और अगर आज तक वो काम किया होता तो मैं समझती हूँ कि वो जनता योजना हम सब के लिए अच्छी साबित हो जाती, परंतु मैंने पता किया तो पता चला कि कांग्रेस ने वो पैदल योजना को रोक दी, मैंने पानी नहीं पाया
फिर आपने पेंशन योजना को रोक दी, तो हम समझने को तैयार है, परंतु यहाँ पैदल की सब कमजोरी कमी है और उसके बाद आप तक पानी नहीं पहुंचे और पैदल की योजना को रोक दी जाए, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। 6 करोड़ की योजना थी, वो आप लोगों को मिलना चाहिए था। बांधों का सुदृढ़ीकरण कांग्रेस ने किया, सरकार ने किया, बांधों का सुदृढ़ीकरण सही ने किया है। और मैं देख रही हूँ कि कॉपर के अंदर ये फैक्ट्री जो है इसके अंदर 10,000 कर्मचारी कार्यरत थे। चांदी, तांबा, सोना इसका काम होता था। तत्कालीन खान मंत्री थी और सूचना मूलक, उन्होंने उस समय उसको बंद करवा दिया। आज यहाँ का मंत्री, यहाँ का विधायक होने के बाद भी बिजली नहीं मिलती है, कितनी बड़ी बात है, कितना शर्म होनी चाहिए। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ से जो भी मटीरियल है वो यहाँ नहीं इस्तेमाल करने के बजाय उसको बाहर विदेश भेजा जाता है। मैं समझती हूँ कि उसको तुरंत ही रोक देना चाहिए ताकि आगे ये हमारा जो खेतरी कॉपर है वो सही चल सके। कोई बैठ के इसके ऊपर बात तो करे, उसको समझने की कोशिश तो करे ताकि इसको आगे ले जाने का और हजारों लोगों को काम देने का काम बताए। मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ, मैं अभी देख रही थी, पता कर रही थी कि मैं तो दौरा कर रही हूँ, मेरे पीछे एक संदेश यात्रा चली। मुझे तो शर्म आती अगर मैं वो संदेश यात्रा चलाती। फिर संदेश यात्रा तो वो यात्रा है कि अगर मैंने कोई अच्छा काम किया है तो मैं जनता के पास संदेश लेके जाऊं, पर मैंने कोई काम नहीं किया है और मैं संदेश लेके जा रहा हूं। संदेश लेके जा रहे हैं कि क्या किया है। मैंने देखा कि नरेगा 28 मार्च को, मैंने 4 मार्च को यात्रा चालू की, 28 मार्च को नरेगा की उन्होंने घोषणा शुरू कर दी कि भैया काम चला दो, लोगों को काम पैसा देने का काम चला दो। 1 अप्रैल को 4 तारीख को मैं शुरू करने वाली थी पेंशन की योजना की घोषणा हो गई। मैंने देखा 4 अप्रैल को जिस दिन मेरी शुरुआत हुई थी उस दिन साइकिल के लिए पैसा का उन्होंने घोषणा कर दी। 9 मई को उन्होंने टैबलेट के बजाय पैसा देने की घोषणा कर दी। 15 जून को साड़ी के बजाय नकद देने का काम कह दिया, वो भी 400 रुपए की 2 साड़ी बने 800 रुपए की 2 साड़ी भेजना चाहिए, उसकी जगह में 100 रुपए वहां भी पैसे बना रहे, वहां भी पैसे बना रहे, एक एक नहीं 2 साड़ी अब वहां मिल रहे। और फिर उसके बाद अभी अभी आपने देखा होगा उस दुकान पर फिर से यात्रा शुरू हो गई है, तो कुर्ता पजामा 12 लाख बच्चों को। और आज ही देख लो इन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि भरतपुर को NCR रीजन में ले लेंगे और अजमेर को अलवर तक हम मेट्रो ले जाएंगे। अभी तक तो जयपुर में नहीं आएंगे, कहाँ अलवर जाएंगे, अलवर में हम मेट्रो ले जाएंगे और जयपुर को हम मैग्नेट सिटी बनाएंगे। क्या होता है मैग्नेट सिटी, किसी को मालूम है? मैं तो मैग्नेट सिटी बनाएंगे, कुछ भी आया हूं मैं, कुछ भी आया हूं घोषणा कर दो तो जनता हमारे बस में किसी तरीके से रहे। और मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि कुछ ही दिन बाद आप लोगों को साड़ी और कुत्ता, उसके बाद एक प्लेट और 2 कटोरी हसोमत, ये वाकई में बोल रहे कि 1 प्लेट और 2 कटोरी तो आप लोगों का पूरा घर ही बच जाएगा। मैं तो कह रही हूँ कि इसके साथ साथ आप लोगों को चादर भी दिलवाते हैं और एक एक रजाई का भी इंतजाम कर दे तो फिर जो बचा कुचा है घर के अंदर आपका पूरा घर सेट हो जाएगा। ये तो आज ये कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही पूछ रही हूँ कि आप तो अगर हम सबकी इतनी चिंता हो रही है 4.5 महीने के अंदर आप इतने बाकादौड़ी कर रहे हो तो ये 4.5 साल में क्यों नहीं किया? मैंने भामाशाह योजना चालू की थी, आपको सबको याद है, उस भामाशाह योजना के अंदर सब महिलाओं को आगे करके BPL परिवार, लघु सीमांत कृषक और आपके ST और SC के वर्गों के लोगों को सबको जोड़ते हुए करीबन 50 लाख लोगों के परिवारों को महिलाओं के द्वारा उनको प्रोत्साहित करते हुए 1500 रुपए देके बैंक अकाउंट खुलवाने का काम शुरू कर दिया था। 870 करोड़ रुपए हमने बैंक के साथ चालू कर दिया था, 200 करोड़ रुपए और 10 लाख बैंक अकाउंट खुल चुके थे और उसमें आपको कार्ड मिलता, कार्ड के ऊपर आपको हेल्थ इंश्योरेंस वो आपको 30,000 का मिलता और उसके साथ साथ आप बैंक से विड्रॉल जितना करना चाहते हो उस हिसाब से आपका पूरा पेंशन और भी पैसे वो सब उसी में चले जाते। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज पेंशन चालू करने के बजाय अगर वाकई में आप चाह रहे थे तो पेंशन तब शुरू कर देते।
अंदर लुढ़ा लुढ़ा कर ले पेंशन, ले पेंशन, ऐसा करके किसी को करने की जरूरत नहीं है। आज राजस्थान को बिल्कुल खत्म करके छोड़ दिया है। जो भी पैसा कमाया था, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप लोगों ने मुझे राज दिया था तो उस समय एक बीमारू राज मेरे को दिया। इस बीमारू राज के अंदर खजाना बिल्कुल खाली था और उस खाली खजाने को हम लोगों ने मेहनत करके भरा। और जब मैं सरकार से निकल के गई 2008 के अंदर, तो 5,000 करोड़ मैंने बैंक में छोड़े थे, 1,700 करोड़ मैंने दूसरे अकाउंट में छोड़े थे। आज जो हालत इनने करके रखी है, IAS, RAS अफसर और दूसरे लोग पूछ रहे हैं कि 3 महीने में क्या हमको तनख्वाह मिलेगी। ये राजस्थान का कबाड़ करके रखने वाली सरकार, इसको 1 मिनट की भी उस कुर्सी में बैठने का हक नहीं है। और इसीलिए मैं आप लोगों सबको कह रही हूँ कि जिस प्रदेश को हम लोगों ने मेहनत करके आगे बढ़ाया था, आज विकास दर बिहार का 16% और राजस्थान का विकास दर सिर्फ 5% पे आके रुक गया है। निवेश या कोई करना नहीं चाहता, कोई फैक्ट्री लगाना नहीं चाहता। जिनकी फैक्ट्री लगी हुई थी वो मुठा उठा के राजस्थान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। कितनी शर्म की बात। या हमारे युवा, उनको पढ़ाई के लिए कुछ नहीं है, और अगर वो लोग जाना चाहते हैं कॉम्पिटिशन में बैठ के, अगर नौकरी के लिए खड़े हो जाते हैं तो उनको आज पलायन करना पड़ रहा है, क्योंकि 50,000 से ज्यादा नौकरी कहने का मतलब ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि 50,000 तक भी पहुंचे नहीं है, जो कहने की बात है। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम आपको 10 लाख नौकरियां देंगे। कितने लोगों को नौकरी मिल गई भाइयों? कितने को मिली? बीजेपी के सरकार के टाइम में 10 लाख नौकरी देने का काम हमने किया था। आज भी मैं मेरे युवा भाइयों को ये कहना चाहती हूँ कि टैक्स और ये सब चीजों को उनने रखता मैं बहुत बड़ा बाधा बना के डालने की कोशिश की है। हम इन सब का प्रबंधन करके जिस तरीके से पहले हमने RTSC के द्वारा व्यवस्था बिठा के बच्चों को नौकरी देने का काम किया था, इसी तरीके से हम लोग मिल के उनको देने का काम करेंगे। मैं विश्वास चलाती हूँ कि आप लोगों को फिर से नौकरियां मिलेगी। ट्रेन के ऊपर 7-7 लोग, लाख लोगों को जिस तरीके से अखबार में देखने को मिलता है, ऐसे बैठ के जाने की जरूरत नहीं होगी। 2.5 लाख लोगों को अपने सचिवालय के बाहर खड़े होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उन लोगों को हम लोग लगातार साल साल में नौकरियां देने का काम करेंगे। तो टीचर भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे और काम करेंगे, और क्षेत्र के अंदर लोगों को सुरक्षित और साफ रखने की पूरी कोशिश करेंगे। माता बहने में पूछना चाहती हूँ कि हमारी बहनों की क्या हालत है, आज घरों के अंदर क्या हालत है। कुछ दिन पहले पेट्रोल 2 रुपए बढ़ गया, याद है? कल या आज ही 50 पैसे और बढ़ा दिए हैं डीजल के। चिंता तो नहीं है जनता की उनको, उनको तो सिर्फ इतना ही है कि भाई किस तरीके से बढ़ाते जाओ, महंगाई इसके साथ बढ़ती जाएगी और आप लोगों के साथ क्या होगा, किसको करना, किसको करना। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको कौन रोकेगा? हमारी महिला सड़क के ऊपर चल नहीं सकती, हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। हमारे मुल्क पर ही अभी जयपुर के अंदर जो केस हुआ था, 9 महीने के लिए उन बच्चियों के साथ अत्याचार हुआ, उनको कौन बचाएगा? और उनकी अस्मत के लिए 3 लाख रुपए किस तरीके से फेंक के कह देना कि ठीक है भाई हमने 3 लाख रुपए उनको दे दिए, नहीं चाहिए हमें आपका 3 लाख, हमें अपनी अस्मत बचाना है, हमें हमारी इज्जत वापस दीजिए, हम स्वाभिमान से जिंदा रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, किसी के टुकड़े में चलना नहीं चाहते। हमारी महिलाओं की ये इज्जत करके रहती है, और मैं कह रही हूँ कि महिला देवी स्वरूप है, महिला हमारे घर की बरकत है, और अगर हमारी महिला, हमारी बहन, हमारी बिटिया की इज्जत को सुरक्षित नहीं रख सकता तो उस परिवार के मुखिया को चुल्लू भर पानी के अंदर डूब के मर जाना चाहिए, उसे कोई मतलब नहीं है हमारे परिवार। हमारे किसानों की क्या हालत है? आज आत्महत्या की कगार के ऊपर आके खड़े हो गए। उस किसान को ना बिजली मिल रही है, ना पानी मिल रहा है, ना उस किसान को बीज मिल रहा है, ना उसको खाद मिल रहा है। आज वो ले जाता है बाजार के अंदर तो उसको सही तरीके से पैसा नहीं मिलता है। अरे मेरे भाइयों, मेरे को ये बताओ कि आप लोगों की इस आपत्ति के अंदर जब विपदा हुई थी, जब आपके यहाँ वो ओले पड़े थे, क्या आप लोगों को सरकार ने मुआवजा दिया? जयपुर का जो अखबार मैंने पढ़ा उसमें ये कहा कि बिजली के दर में कमी, उसमें मैंने पढ़ा एक पूरा पैकेज हम किसानों को दे रहे हैं। सबको जयपुर के अंदर ये बता दिया गया कि राजस्थान के किसानों को एक बढ़िया सा बढ़िया पैकेज दिया है। आपको मिला क्या?
मुसलमान भाई है जिसको मिला कहीं नहीं मिला। मैं पूछना चाहती हूँ भाइयों को कि वो सरकार से विभाग से आप लोगों को 1,50,000 की ऋण देने की तैयारी थी, उस ऋण के अंदर कोई ब्याज देने की जरूरत नहीं थी। है कोई यहाँ जिसको मिला हो? है कोई? किसी को मिला? किसी को नहीं मिला। कहने के लिए तो बहुत चीजें कहते हैं, करने के लिए है शून्य। ऐसी सरकार चाहिए के भाइयों बहनों, हमें चाहिए कैसी सरकार? तो बताऊं आपको कि लोकतंत्र के जमाने के 63 साल निकल गए, मेरे 5 साल आप बता दीजिए, भैर सिंह जी के 7 साल आप बता दीजिए, 12 साल हटाने के बाद 53 साल डायरेक्टिव कांग्रेस सरकार का है। 53 साल अगर किसी को मिल जाता तो वो क्षेत्र चमन हो जाता, भारतीय जनता पार्टी को मिलता, हम लोगों को मिलता, तो चमन करके 36 राजस्थान को। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या कर दिया है 53 साल में? 15 साल आपने दिए नरेंद्र मोदी जी को, और नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात का क्या हाल